जिसे मैं पसंद करता था उसने मुझसे 5 साल पहले कहा था कि तेरे पास है क्या फटीचर। फिर मेरे पापा ने और मैंने मेहनत करके 2 बीघा जमीन खरीद ली और आज वह हमारे यहाँ मजदूरी से सोयाबीन काट भाई। हाँ, दिन सबका आता है। हाँ ठीक है ना, दिन भर सोयाबीन कटवाई। हाँ दोपहर में नहीं, छुट्टी भी नहीं दी, रोटी खाकर तुरंत लगा दी मैंने कि चलो काटो। अरे जीना है तो ऐसे जियो के देखने वाला भी बोले कि यो हस्तो ही तो रे यार, ये कहीं फर्क ही नहीं पड़े। पर वाका दिल में दर्द है वो दिखाए नहीं तमारे गई। ओ भैया मारे तो बहुत परेशानी चल रही जिंदगी में। ऐसा दूसरान के सामने रोया मत करया करो, परेशानी ये भीतर दबा के ऊपर से हंसता रहो, परेशानी यूं भग जाएगी। ठीक है नी। आदमी अगर घरे फालतू बैठे हो कहीं काम करबा नहीं जा तो घरवाली की नजर उन्हीं ठेकेदार जैसी रे, जिन्हीं ठेकेदार को मजदूर फ्री बैठ के बीड़ी पी रहे हो। यूं देखे यूं दो तीन दिन हो गया घरे बैठे बैठे, कई काम धंधो तो कर लो। जैसे घरे फ्री नहीं बैठना चाहिए, कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। हाँ हॉस्पिटल में इतना एटीट्यूड तो बड़े डॉक्टरों को भी नहीं होता जितना 4-4 फीट की छोटी छोटी नर्सों को होता है। काल एक मैडम ने मैं काउंटर पे 2 घंटे तक ठाड़ो रखियो यार। मैंने तो उनसे बस इतनी सी की थी कि मैडम आप बहुत अच्छी हो। उन मैडम ने आधी बात ही सुनी मारी। मैंने तो उनसे पूरी बात की थी कि मैडम आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरा बहुत अच्छे से इलाज किया, पर उनने वे लास्ट वाली लाइन सुनबो भूल गई वे। एमे कहीं मारी गलती है कहीं यार, पर इतनो एटीट्यूड अच्छो नहीं है। ठीक है नी। हाँ पता नहीं कब आएगा वो दिन जब वो कहेगी, देखिए ना आपका लाडला मेरे बाल नहीं छोड़ रहा है। पूरी दुनिया में टीचर ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्याज बिना मिर्ची मसाला के मुर्गो बना सके। हाँ बाकी और कोई में हिम्मत नहीं है भैया, और कोई नहीं बना सके ऐसे। वे महान हस्ती जे दूसरान का पैसा खा खा के बैठिया, वे भी नवरात्रि में क्वार्टर पीनो पाप समझे। क्यों रे वे दूसरा दाजीन का पैसा खारा क्या जे जे में पाप नहीं लगे तमें? ओ अंडा था नहीं देख लिया और पैसा लौटा दीजिए उनका टाइम से। वे भापड़ा बड़ी मुश्किल से पैसा दे और तुम खा पी के लंबा चौड़ा हो गया, पैसा लौटा उनका टाइम से।